यार ड्रॉक लेसनर तो अभी WWE में तहलका ही मचा रहे हैं। उनका एक न्यू लुक सामने आया है और आप लोग भी देख सकते हो, ब्रॉक लेसनर का लुक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ना। और फाइनली ये बात पता चल चुका है कि कॉडी रोड्स के टाइटल को कौन डिथ्रोन करने वाला है, द रॉक या रोमन रीन्स। और हाँ, ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न करेंगे मैं सब कुछ आज के वीडियो में इन डिटेल कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के बारे में ही बात करें, सभी कोई बोल रहे हैं, पता है क्या बोल रहे हैं, कि ब्रॉक लेसनर कभी भी WWE में रिटर्न नहीं करने वाले हैं। बट रिसेंटली जो ब्रॉक लेसनर का फोटो वायरल हो रहा है ना, उससे ये पता चल रहा है कि ब्रॉक लेसनर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर लेंगे वापस से WWE में 2025 में। कनाडा के एक कंसर्ट में गए थे, वहाँ का ये फोटो है ब्रॉक लेसनर का। गाइस अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊँ तो ऐसा पॉसिबल है कि रेसलमेनिया 41 के बाद आपको ब्रॉक लेसनर दिखने वाले हैं। या फिर अगर रेसलमेनिया 41 में आप देखो ना, दो दो सुपरस्टार आ रहे हैं, जॉन सीना, गोल्डबर्ग, तो WWE बिल्कुल भी ऐसा प्लानिंग नहीं करेगी कि सब सुपरस्टार को एक ही साथ भेज दे। तो ऐसा पॉसिबल है कि रेसलमेनिया 41 के बाद हमें ब्रॉक लेसनर दिखने वाले हैं और उनका फाइट भी होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेथ फ्रैकिन रॉलिंस के बारे में, ये तो कंफर्म है कि वो तो अभी मूवी शूटिंग करने वाले हैं। शायद आप लोग भी अभी तक देख लिए होंगे न्यू ट्रेलर मार्वल स्टूडियोज का, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका का एक न्यू ट्रेलर है, आप जाके देखना, बहुत मजेदार है। और उसी ट्रेलर में सेथ रॉलिंस को स्पॉट किया गया, आप विजुअली देख सकते हो उनका ये वाला फोटो। यार गाइस मानो या ना मानो, वो सेथ रॉलिंस अट्रैक्टिव भी लगते हैं, जिसके वजह से हॉलीवुड में जाना तो इजीली बात है उनके लिए। आप ही देखो ना, जितने रेसलर भी WWE में आते हैं ना, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो हॉलीवुड में जाते ही है। पता है गाइस, मेरा दिल का तमन्ना है, पता नहीं है पूरा होगा या नहीं, मेरा सपना है कि मैं एक बार रेसलमेनिया 41 का इवेंट लाइव देखूं, वो भी USA में। पता नहीं गाइस ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। मैं क्या ही बोलूं, रैंडी ऑर्टन का तो अभी हालत ही खराब है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर लगाया ना, उसके बाद रैंडी ऑर्टन की गर्दन में बहुत ज्यादा ही चोट आया है। एंड आई डोंट थिंक सो पर्सनली, कि मुझे नहीं लगता है कि रैंडी ऑर्टन इतना जल्दी रिटर्न करने वाले अपना। वैसे गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कल मैं लाइव आने वाली हूं। आप लोगों में से जितना कोई चाहते हो लाइव मेरे से बात करना, आना, बात करेंगे, मजा आएगा। आगे बात करते हैं अपने पांडा के बारे में। आप देखो ना, रोमन रीन्स कितने क्यूट है ना, उनका तो हर टाइम फोटोशूट ही अलग लेवल का होता है। जैसे रोमन रीन्स पोज देते हैं वो एकदम यूनिक लगता है। और मैं आपको बोल रही थी ना अभी रिसेंटली पाइल ड्राइवर के बारे में, तो आप देखो 11 साल पहले यानी कि 2013 के टाइम में हमें ये वाला मूव देखने को मिला था, अभी देख लो 2024 में देखने को मिला। अगर बैन किया गया है तो कुछ तो होगा ना, इसकी वजह से बैन किया गया होगा। पता है मुझे सबसे बेस्ट लगता है रोमन रीन्स का स्पेयर। आपको सबसे बेस्ट मूव कौन सा लगता है और किसका लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पता है WWE को अगर कोई पीक, हाई पीक पे लेके जाता है तो वो हमारे रोमन रीन्स ही है। गाइस देखो ना, अगर रोमन रीन्स ना आए ना कोई स्मैकडाउन में, तो एकदम व्यूअरशिप डाउन ही हो जाता है। तो गाइस फाइनली काफी सालों बाद हमें एक सिनेमैटिक मैच देखने को मिलने वाला है OG ब्लडलाइन वर्सेस न्यू ब्लडलाइन के बीच। मुझे तो अभी भी वेट नहीं हो रहा है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। आगे बात करते हैं बोरिंग यानी कि कॉडी रोड्स के बारे में। तो कॉडी रोड्स रिमेन द ओनली वन मैन टू पिन रोमन रीन्स इन सिंगल कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द ट्रैवल चिप एरा, यानी कि इकलौते कॉडी रोड्स ऐसे बंदे हैं जो रोमन रीन्स को हर टाइम पिन करते रहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और आज का लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपको मैं बताई थी ना कि पहले कोई एक सुपरस्टार है जो कॉडी के टाइटल को डिथ्रॉन करने वाला है। तो रिसेंटली रिकी सी एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसी में वो बोलते हैं कि रोमन रीन्स और द रॉक नहीं बल्कि मेरा बेटा ऐसे करके बोले। रिकीशी का बेटा मतलब शोलो शुका बंदर कॉडी रोड्स के टाइटल को डिथ्रॉन करने वाला है। और मैं आपको ये 110% बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रोमन रीन्स ही कॉडी के टाइटल को डिथ्रॉन करने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे कॉन्टेंट लाइक थोड़ा सा अवेलेबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।